at the cut of her mother's dog! Do you feel the music? हेलो यूट्यूब यूट्यूब बॉय गेमिंग फनकार द यूट्यूब चैनल सो नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, मेरी भी अच्छी गेमिंग चल रही है, आपकी भी अच्छी ही चल रही होगी। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि मैं कैसी वीडियोज़ बनाता हूँ। तो यार आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि यार मेरे वीडियो को मतलब चैनल पर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स करवाओ ताकि 1K हों और मोनेटाइजेशन तो खैर वो तो ऑन हो ही जानी है कभी ना कभी। लेकिन यार 1K पे मैंने गिव अवे भी रखा है और फेस रिवील भी रखा है और साथ साथ मैंने जो 500 सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी कोई एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। मतलब इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे यार उसको देख के। तो यार बात करेंगे जिस टॉपिक के लिए हमने गेम स्टार्ट की है, ये वीडियो स्टार्ट की है, तो यार वो था ग्रीन एग। ग्रीन एग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा था, लोग कह रहे थे यार ब्लू भी मिल रहा है, रेड भी मिल रहा है। असल में ये जो रेड और ब्लू है और ग्रीन है ये RBG जिसे कहते हैं, तो यार ये जो है ये वंडरलैंड है, हमारा एक नया इवेंट आया जो कि सबको पता है, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। लेकिन यार जो मैं ग्रीन एग के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि यार बाकी दोनों एग ग्रीन ब्लू और रेड जो है वो तो मिल रहे हैं लेकिन जो ग्रीन एग है वो तलाश करने में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो यार उसके लिए उससे पहले मैं बताता चलूँ कि यार जो ये वंडर इवेंट है ये स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 15 से लेकर 28 तक जाएगा और इसकी तकरीबन सारी डिटेल्स जो हैं आपको गेम के अंदर मिल जाएंगी। मैं ज़्यादा बताकर वीडियो लंबी नहीं करना चाहूँगा। तो यार बात करेंगे उसके लिए कुछ डिटेल्स मिली हैं, वो ये हैं कि जो ग्रीन एग जो है उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यार 21 और 22 अप्रैल में ये जो दो डेट्स मैंने बताई हैं इसमें जो है आपको एक जायंट एग होगा। अब मुझे जायंट एग का ये शक पड़ता है कि यार वो जो जायंट एग होगा वो जो हम जब लॉबी में जाते हैं गेम के लिए वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं तो वहाँ पे जो बड़ा सा अंडा होता है शायद वो हमें तोड़ना पड़े या वो टूटे, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसका रंग भी चेंज कर दिया है। जैसी बात है इवेंट आ गया, पहले तो वो गोल्डन कलर का था तो लेजेंडरी सा लगता था लेकिन अब वो बहुत फनी हो गया, तो उसको या तो तोड़ना पड़ेगा या गेम के अंदर कुछ ऐसा डालेंगे। और इसके साथ साथ ये बताऊँ यार कि इस इवेंट के अंदर बहुत बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होने वाली हैं। कुछ कह रहे हैं लिखा आ रहा है कि कॉस्प्ले भी होने वाला है, फिर बता रहे हैं कि यार इसके अंदर जंपर इवेंट होने वाला है, फिर एक इवेंट होने वाला है कि ड्रॉ बनी का मुझे ये शक पड़ता है कि यार हमें छोटे छोटे मिशंस दिए जाएंगे वो पूरे करने होंगे तो बनी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, पूरी स्केच तैयार होगी, तो वो तो मुझे कुछ ऐसे ही लगता है। और कुछ ऐसे ही बताया जा रहा है कि यार मुख्तलिफ चीज़ें होने वाली हैं इसके अंदर। तो यार मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप रेड और ब्लू कलेक्ट करो और उसको नंबर 1 जो ऑप्शन जो शो हो रहा है स्क्रीन पे यार इसके लिए ना यूज़ करो। जो कॉस्ट्यूम है उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्स कलेक्ट करो और जब उसके लिए एक्स कलेक्ट हो जाए तो उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं बाकी कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ अगर इन केस आप लेना चाहते हैं जैसे बनी फेस हो गया, अच्छा बनी फेस के अलावा बनी फेस भी ग्रीन से मिलेगा, पैराशूट हो गया और वो जो एक दो गिफ्ट्स हैं छोटे मोटे अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो बेशक ले लें। मैं आपको क्या रोकूंगा, गेम तो आपकी अपनी है। तो यार ये सजेस्ट करूंगा कि वो सब कुछ ले लें और सूट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गेम में कॉस्ट्यूम बहुत मैटर करता है, ज़्यादातर गेम में कॉस्ट्यूम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, ये बात आप सब जानते होंगे। अगर आपने कोई पैराशूट लिया होगा वो तो ऊपर होगा, वो नज़र भी नहीं आएगा, वो गुजर जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ये बताता चलूं कि यार इस गेम में बहुत सारी मज़े की चीज़ें भी देखने को आई हैं। जाहिर सी बात है आप सबने देख ली होंगी लेकिन मैंने हाईलाइट करता चलूं। सबसे पहले पैराशूट नया आया है वो तो आपको पता ही है, जब वो ओपन होगा तो जब जिसने लिया होगा उसे मिल जाएगा। उससे पहले यार एग का जो सेंटर में एग था उसका रंग चेंज किया इन्होंने, उसके बाद ट्रीज पे जो है इन्होंने हेलोविन टाइप का हेलमेट्स वगैरह लगाए हैं, मीन्स के वो बॉक्सेस बैग्स लटकाए हुए हैं दरख्त पे। उसके बाद स्टोन्स के रंग नीचे जो चेंज किए हैं, जो स्टोन के कलर थे उनके ऊपर हेलोविन टाइप के स्टाइल बनाए गए हैं, और उसके बाद जो एयर ड्रॉप आता है 7 एयर ड्रॉप उसकी भी शक्ल चेंज की गई है। जो गेम के अंदर जो इनका एयर ड्रॉप आता है उसकी भी
उसका भी फेस, उसकी भी स्किन चेंज की गई है। इसी तरह से जो एरोप्लेन है, जो इनका जो प्लेन होता है जिसके अंदर से हम गिरते हैं, उसकी भी स्किन चेंज की गई है। तो यार ये दो तीन चीज़ें मज़े की थी। तो यार मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यार वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट करो यार, और सब्सक्राइब कर देना यार। सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।